गुड मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 7th आज हमारा 5th लेसन है मिठाई वाला, ठीक है। इसको लिखा किसने है? भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने। तो शुरू करते हैं पाठ मिठाई वाला। बहुत मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चे को बहलाने वाला खिलौने वाला, ठीक है, कि बहुत ही मधुर आवाज़ में गलियों में घूमता हुआ एक आदमी बोलता जाता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला अस्थिर हो उठता। विचित्र यानी अद्भुत, मादक मधुर यानी नशे वाला या मीठा, उसकी यह आवाज़ सुनकर अजीब सा नशा होने लगता और बहुत ही मीठा लगता यह गान। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। स्नेहाभिषिक्त प्रेम से भरे हुए, स्नेह से भरे हुए इस गान को सुनकर आसपास के मकानों में हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती कि छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में उठाकर युवतियां या स्त्रियां चीकों यानी जो ये चटाई वगैरह होती है ना आगे लगी होती है छज्जों के, उनको उठाकर छज्जों से नीचे देखने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। उद्यान यानी बगीचों, गलियों और गलियों में बने हुए पार्क यानी बगीचे, उनमें क्या थे, बच्चे खेलते हुए इठलाते हुए झुंड बनाकर उस खिलौने वाले को घेर लेते। खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता कि वो खिलौने वाला जब बच्चे उसको घेर लेते तो वहीं बैठकर अपनी पेटी खोल देता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, पुलकित यानी खुश हो उठते थे। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करते कि अपने घर से पैसे ले आते और खिलौने वाले से मोल भाव करते। कैसे पूछते, इसका दाम क्या है और इसका और इसका, मतलब छोटे बच्चे हैं तो तुतली आवाज़ में बोलते हैं, तो वो खिलौने वाले से पूछते कि इसका दाम क्या है, इसका अलग अलग खिलौनों का वो दाम पूछते हैं। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उनको खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते। तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, कि झुंड बनाकर जो बच्चे उसके पास आते थे उनको खिलौने दे देता। खिलौने देकर फिर वो आगे बढ़ता और क्या बोलता जाता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की बांती उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता। खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू और मुन्नू किसके बच्चे थे? राय बहादुर विजय के। वे भी खिलौने लेकर अपने घर आए। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा सुंदर है, कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है, परंतु पुतली आवाज़ में बोलता है कि मेला घोला कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैसा सुंदर है, तो छोटे वाला भी बोलता है कि देखो मेरा भी कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी, बच्चों की माँ का क्या नाम है, रोहिणी, कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती रही, निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, कि सिर्फ 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही, इतना तो निश्चय कि इतने सस्ते खिलौने पता नहीं वो कैसे दे गया, ये तो वो ही जाने, चलो इतना अच्छा है कि बच्चों को खिलौने दे गया। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई।
फिर कभी उसने इस पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं समझी कि जब अपने कोई चीज़ खरीदते हैं तो एक दो बार देखते हैं फिर भूल जाते हैं, अपने काम में मस्त हो जाते हैं। ऐसा ही उसके साथ हुआ। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। क्या था कि 6 महीने बाद, किसकी 6 महीने बाद? बच्चों के खिलौने खरीदने के 6 महीने बाद 2-4 दिनों में एक मुरली वाला मतलब गांव में आने लगा है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में तो वह उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, 100 भी 2-2 पैसे में, भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। कि मुरली वाला आया गांव में, इतनी अच्छी मुरली बजाता है और मुरली देता भी इतने सस्ते पैसे में है, पता नहीं उसे क्या बचता होगा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। मतलब एक व्यक्ति पूछता है कि मुरली वाला कैसा है, मैंने नहीं देखा, वो कैसा दिखता है। उत्तर मिला, मतलब दूसरा व्यक्ति बताता है, उम्र तो अभी अधिक नहीं होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। कि ज़्यादा उम्र का नहीं है, 30-32 साल का होगा, पर सिर पर बीकानेरी साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने बेचा करता था? एक आदमी पूछता है कि ये वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचता था? दूसरा कहता है, मुझे नहीं पता भी ये पहले खिलौने भी बेचता था। फिर हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था, कि जैसी शक्ल तुमने बताई है वैसा ही वो मिठाई वाला भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद, कि होगा शायद वही होगा, परंतु मुरली बजाने में वह पूरा उस्ताद है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती रही। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, याद आ गई कि इसकी खिलौने वाले की। जब उसने मुरली वाले की आवाज़ सुनी तो वो सेम ही आवाज़ थी, क्योंकि वही आदमी था, तो उसको भी उसकी याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था, कि जो खिलौने बेचने वाला था वो भी ऐसे ही गाता था, ऐसे ही गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। अपने पति से क्या बोलती है कि आप मुरली वाले को बुलाओ, मैं बच्चों के लिए मुरली लेना चाहती हूँ। क्या पता यह फिर इधर आए या ना आए, भी आज आए कल ना आए, इसलिए आज ही खरीद लेती हूँ। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, समाचार पत्र यानी अखबार न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? अपने हाथों में न्यूज़पेपर यानी अखबार लेकर आकर मुरली वाले से पूछते हैं कि मुरली वाले बताओ तूने मुरली कितने में दी? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी यानी पजामा ही ढीला होकर लटक गया। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। जब बच्चों ने उस मुरली वाले की आवाज़ सुनी तब उसके पीछे पीछे दौड़ते आए, किसी की चप्पल गिर गई, किसी की टोपी और किसी का पजामा ही गिर गया। एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली, हम भी लेंदे मुरली, कि हम भी मुरली लेंगे, हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, मुरली वाला खुशी से भर गया, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अब सब बच्चे झपट रहे हैं कि हमें चाहिए, हमें चाहिए। वो बोलता है कि रुको, सबको दूंगा, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़ी जा रहे हैं, कि आराम से ले लो, हम यही हैं, हम कहीं भागे नहीं जा रहे, बेचने तो आए हैं, और है भी इस समय हमारे पास 1-2 नहीं पूरी 57, कि हम बेचने के लिए आए हैं, हमारे पास 1-2 मुरली नहीं है, 57 मुरलियां हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने कितने में दे दी? मतलब विजय बाबू ने उससे पूछा था कि मुरली कितने रुपए में दी, तो वो बताता है
कि दी तो वैसे तीन तीन पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको दो दो पैसे में ही दे दूंगा। कि मैंने वैसे तो तीन तीन पैसे के हिसाब से दी हैं, परंतु आपको दो दो पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है कि सभी को दो दो पैसों में ही दे रहा होगा, परंतु मुझ पर एहसान कर रहा है कि मैं आपको दो पैसे में दे दूंगा। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को दो दो पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे हो। कि तुम्हें तो झूठ बोलने की आदत होती है, सबको इसी रेट में ही दे रहे होंगे, परंतु मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो कि मैं आपको दो दो पैसे में दे दूंगा। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, मतलब एकदम से, मतलब उसको टेंशन हो गई, देखते लगा अजीब तरीके से, बोला, आपको क्या पता बाबूजी इनकी असली लागत क्या है, यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। कि आपको इनकी असली कीमत नहीं पता कि कितने की मुरली आते हैं, परंतु सभी ग्राहक एक जैसे होते हैं, उनको कितनी सस्ती चीज़ दे दो फिर भी वो यही सोचेंगे कि ये तो मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम दो ही पैसा है, आप कहीं से दो पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी कि आपको दो पैसे में मुरली कहीं नहीं मिलेगी। मैंने तो 1000 मुरलियाँ बनवाई थी, इसलिए मुझको ये सस्ती मिल गई। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो निकाल दो। कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे दो मुरली निकाल दो। दो मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँचे, यानी मकान के अंदर गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंगों की मुरलियाँ थी, जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। अलग अलग रंगों की मुरलियाँ थी, बच्चों को जो मुरली पसंद आती मुरली वाला उनको वही मुरली निकाल कर दे देता था। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। बच्चों से बातें करते हुए बोलते कि ये तो बहुत अच्छी है, तुम यही ले लो राजा बाबू, तुम्हारे लायक यही मुरली है। हाँ भाई, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी न चाहिए, यह है नारंगी रंग की, अच्छा वही ले लो। अब बच्चे अलग अलग रंगों की डिमांड करें, नहीं मुझे तो ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो वो बोलते हैं कि चलो जिसको जो चाहिए वो वही ले लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी। अब कोई और बच्चा पैसे लेके आए तो उसको बोलते हैं कि ले आए पैसे, ये ले मैंने तेरे लिए पहले ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, अब किसी बच्चे को पैसे नहीं मिले तो वो बोलते हैं कि तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से नहीं मांगे होगे, कि अपनी माँ से तुमने पैसे ठीक तरह से नहीं मांगे होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं, कि यदि अम्मा ना दे तो उनके पैरों से लिपट जाओ, उनकी धोती पकड़ लो, जिद करो, कैसे भी करो पैसे ले आओ। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएगी, कि अब की बार जा, अब तो अम्मा दे ही देगी। ध्वनी है तो क्या हुआ, ले लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो उनके पैसे वापस कर देता और पूछता, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई, अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी यह लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। मतलब अगर किसी के पास पैसे नहीं थे तो भी मुरली वाला उस बच्चे को पैसे दे देता था। इस तरह मुरली वाला आगे बढ़ गया। तो हमने पहले पढ़ा पाठ में कि एक आदमी है जो पहले खिलौने बेचने आता है, बच्चों को तरह तरह के खिलौने देता है, फिर वही आदमी 6 महीने बाद मुरली बेचने आता है, किसी के पास पैसे हैं नहीं है, सबको मुरली दे देता है। ठीक है, तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।